गाइस अभी इन लोग का स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया है, सो अभी ये जुगाड़ करके ये लोग ले जा रहे हैं। ऐसे पकड़ के ऐसे खींचना है। Hey guys, welcome back to my another vlog. So, आज का ये vlog कुछ अलग होने वाला है। ये हेयर टिप्स होने वाला है जो मैं अपने बालों के लिए करता हूँ। ये मैं कभी कभी 15 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार करता हूँ। So, मैं आप सबके साथ भी ये शेयर करने वाला हूँ। ये vlog छोटा सा vlog होने वाला है। अपने फ्रिजी और ड्राई हेयर को कैसे ट्रीट करता हूँ, मैं कभी कभी ये होम रेमेडी यूज़ करता हूँ। So, मैं आज कर रहा था इसलिए सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर कर दूँ। So, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि मैं अपना बालों में क्या क्या चीज़ें लगाता हूँ। मेरे बाल भी काफ़ी ड्राई हो रखे हैं अभी, आप एक बार यूज़ करके देखना। देखिए मेरा बाल अभी कितना ड्राई और फ्रिजी लग रहा है, क्योंकि इसमें बालों में आपका धूल मिट्टी काफ़ी सारे चले जाते हैं। तो फिर भी शैम्पूज तो और भी ड्राई कर दे आपके हेयर को। सो हफ्ते में एक बार दो बार ही शैम्पू करना चाहिए, उससे ज़्यादा करेंगे तो आपका नेचुरल ऑयल रहता है बालों का नेचुरल ऑयल, वो सब चला जाता है। इसके लिए आपको पहले एलोवेरा की ज़रूरत होगी। सो आप सभी के घर में एलोवेरा तो होगा ही, अगर नहीं है तो आप लोग वो जो बाज़ार का जो एलोवेरा जेल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो हमारे गार्डन में भी है एक एलोवेरा का छोटा सा पौधा है, सो उसी से तोड़ के लाते हैं अभी। सो लेट्स गो, अभी तोड़ते हैं। सबके घर में होना ही चाहिए, बहुत ही बेनिफिशियल रहता है स्किन को भी, और आपका घाव कट जाता है ना उसमें भी बहुत हेल्प करता है। ये बड़ा तोड़ते, हाँ इससे काम हो जाएगा। तो आप लोग मत डरना कि ये क्या बता रहा है, इससे आपका बाल खराब हो जाएगा। मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ वो सारे के सारे नेचुरल चीज़ें हैं। सो इससे आपके बालों को बहुत बेनिफिट होने वाला है, उसका कोई भी नुकसान नहीं है। बल्कि बाजार से आप लोग जो प्रोडक्ट्स लाते हो उससे कई गुना अच्छा है, आपके बालों को कुछ हार्म नहीं होगा, उल्टा आपके बालों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि एलोवेरा बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और मस्टर्ड ऑयल भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हनी भी बहुत ही अच्छा होता है हेयर के लिए। सो इन्हीं तीनों का यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा लगा के। सो ये रहा एलोवेरा, तोड़ लिया है मैंने। सो अभी आपको चाहिए मस्टर्ड ऑयल। सो एक बॉल ले लेना है ऐसा कुछ, और उसके बाद ये मस्टर्ड ऑयल, और उसके बाद ये हनी चाहिए आपको। सो पहले इसका पल्प निकाल लेते हैं अंदर का जेल जो। सो इसको सारा जेल यहाँ पे डालेंगे बॉल में। लगभग हो चुका है अभी, फिर आपको यहाँ पे डालना है मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल 2 चम्मच। तो अभी मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। अभी इसको आपको 30 मिनट्स के लिए ऐसे छोड़ देना है, और 30 मिनट्स के बाद आपको नहा लेना है, आपका बाल धो लेना है। तो 30 मिनट्स रखता हूँ, उसके बाद अपना बाल को धो लेता हूँ। सो अभी 30 मिनट हो चुका है। सो अभी मैं नहा के आता हूँ, इसको धुला के आता हूँ,
उसके बाद आपसे मिलता हूँ। सो अभी मैं नहा के आ चुका हूँ। सो ये रहे मेरे हेयर। सो आप लोग देख सकते हैं साइन आया है। तो आप लोग भी ट्राई करना जरूर से, इससे आपका बाल का हेल्थ अच्छा हो जाता है और इससे आपके बाल थोड़े शाइनी और फ्रीजी नहीं रहते, शाइनी दिखते। मेरे दोस्त आए थे मुझसे मिलने के लिए। सो वो लोग बोल रहे थे एक दोस्त के घर में जाना है। सो गाइस अभी इन लोग का स्कूटी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है। सो अभी ये जुगाड़ करके ये लोग ले जा रहे हैं। हम लोग अभी पेट्रोल पम्प तक ऐसे टोचन करके ले जा रहे हैं धक्के मार के। थोड़ा रिस्की है पर फिर भी जुगाड़ तो करना चाहिए। अभी पेट्रोल पंप तक ले जाते हैं घर पे हमसे इंस्पायर होके। हम बिल्कुल नहीं चाहते आप लोग हाईवे में। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट पेट्रोल पंप पहुंचने वाले हैं। सो अभी हम लोग पेट्रोल पंप पहुंच चुके हैं। सो अभी मेरा बाइक में भी पेट्रोल कम है। सो मैं भी पेट्रोल भरवा लेता हूँ। सो पेट्रोल खत्म हो चुका है। हेलो गाइस, तो ये मेरा दोस्त, इसका नाम है दीनंजय छेत्री ये, और ये है गौरव छेत्री। मनी मनी पैसा फ्लैक्स कर रहा है। सो हम लोग नाइट आउट के लिए आए थे। सो अभी घर चलते हैं। सो फाइनली अभी मैं घर आ चुका हूँ। सो आई होप आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।